नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कला लेखन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कलाकार परितोष सेन के विषय में जानेंगे। परितोष सेन भारतीय चित्रकला के उन कलाकारों में से रहे हैं जिन्होंने जनसाधारण की पीड़ा को अपने चित्रों में स्थान दिया है। उन्हीं को रचा बसा है और उन्हीं पर आधारित कई चित्र श्रृंखलाएँ भी बनाई हैं। इनका जन्म 1918 ईस्वी में ढाका, वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। इन्होंने अपनी कला शिक्षा मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, जो इस समय चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहाँ से इन्होंने ली थी। यहाँ पर इन्हें कला गुरु देवी प्रसाद राय चौधरी का सानिध्य मिला। कहा जाता है देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा स्थापित एक पत्रिका को पढ़ने के बाद ही ये मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की तरफ अग्रसर हुए और यहीं पर शिक्षा ली। इनका मानना था कला केवल देखने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि उसे देखने लायक बनाया जाए। इसके अलावा एक कलकत्ता ग्रुप के सदस्य भी रहे हैं, जो 1943 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस ग्रुप के लगभग में सारे सदस्यों ने कलकत्ता में पड़े अकाल को अपनी तुलिका से चित्र फलक पर व्यक्त किया है। इनकी मृत्यु 2008 में कोलकाता में हुई थी। इनके चित्रों पर चर्चा करने से पहले कुछ इनके विषय में और हम जान लेते हैं। परितोष सेन आधुनिक भारतीय कला में अपनी विरासत से गहरे जुड़े हुए कलाकारों में गिने जाते हैं। इनकी शैली में लोक तत्वों के साथ साथ वान गो, पिकासो आदि का भी प्रभाव दिखाई देता है। परंतु इनके चित्रों को अवलोकन करने के बाद हम देखते हैं कि यह इन कलाकारों का प्रभाव सीधे तौर पर इनमें दिखाई नहीं देता है। यह परितोष सेन की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं द ट्री पार्टी इन मैंगो ग्रो, द ए थर्ड क्लास ट्रेन जनरी, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट, ए व्यू ऑफ द सी बीच इन चेन्नई, ये इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। इसके अलावा लैंडस्केप, मसूरी के लैंडस्केप भी बनाया है और बंगाल में जो अकाल पड़ा था उस पर भी इन्होंने फेमिन स्ट्रीन के नाम से एक श्रृंखला भी बनाई है। इसके अलावा द बाबू 1956 में इन्होंने बनाया था, नारियल बेचने वाले 1996, द कोबलर 1998 में। इन तीनों चित्रों पर कालीघाट शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त द सारंगी प्लेयर, द बर्ड सेलर, बड़े गुलाम अली खां, द सिंगर, म्यूजिशियन, कपल विद अम्ब्रेला, थ्रू द लेंस मेलो आदि इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ चित्र श्रृंखलाएँ भी बनाई हैं, चापिंग चिकन, रामायण, कृष्ण, साधु, थ्रू द लेंस, ये इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र श्रृंखलाएँ रही हैं। इनका एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है काली जैकेट में आत्मा, जो कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में परितोष सेन ने निर्मित किया था, जो 2005 में बनाया गया था। इसके अलावा इन्होंने ए ट्री इन माई विलेज नाम से अपनी एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें जिन बहार नामक ग्राम का जो ढाका में पड़ता था उसमें बालकाल की स्मृतियां भी अंकित की गई हैं। इसे जिन बहार नाम से भी इस चित्र को या इस पुस्तक को
जाना जाता है। 2004 में ललित रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, और जिस पत्रिका का हम जिक्र कर रहे थे, देवी प्रसाद राय द्वारा प्रकाशित कला पत्रिका प्रवासी को पढ़ने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई में इन्होंने प्रवेश लिया था। अगर हम भारतीय कला के पूरे सिनेरियों पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं परितोष जैन सदैव प्रयोगधर्मी कलाकार रहे, जिन्होंने जगह जगह से प्रभाव ग्रहण किया पर सभी को अपना बनाकर चित्रों में अपने तरीके से अभिव्यक्त किया। इसीलिए इनके चित्रों में कई कलाकारों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, परंतु सीधे कोई कलाकार इनमें नहीं आता है। कुकिंग और जैक्सन पोलार का भी डे कुकिंग और जैक्सन पोलार का भी प्रभाव इनके चित्रों में पेरिस भ्रमण और अमेरिका की यात्रा के बाद आया था। ये भूरे और ग्रे रंग के पैच का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ लाल, नारंगी, पीले रंग का भी बेहतर प्रयोग इनके चित्रों में दिखाई पड़ता है। अब हम तैयारी के दृश्य कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे। पहला है, इनका जन्म कब हुआ? तो हमारा आंसर है 1918। अब ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, परितोष सेन अविभाजित भारत के किस हिस्से में जन्मे थे? तो ढाका। अगर विभाजित पूछा जाए तो, अगर देश का नाम विभाजित पूछा जाता तो बांग्लादेश, अगर अविभाजित पूछा जाता तो भारत सही होता है। इनकी मृत्यु कब हुई? 2008। कहाँ पर? कोलकाता। शिक्षा कहाँ से अपनी? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट चेन्नई। कला गुरु कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी किस विधा के लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकला के लिए। इसके अलावा इन्होंने काली जैकेट में आत्मा एक चित्र बनाया था, वो किस माध्यम में था? एक्रेलिक। किस पे था? कैनवास पे। थ्रू द लेंस यह किसकी श्रृंखला है? तो हमारा आंसर होगा परितोष सेन। कुछ ऐसे ही इनके क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक भी महत्वपूर्ण है, ए ट्री इन माई विलेज, जो इनके बाल्यकाल के अनुभवों पर आधारित है। ये किस कलाकार ग्रुप से जुड़े थे? कलकत्ता कलाकार ग्रुप से जुड़े हुए थे। ये इनको ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा रत्न सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 2004। ऐसे ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करें और भविष्य में ऐसे वीडियो के लिए बने रहें साथ में। धन्यवाद।